हे गाइस, दिस इज कश्मीर महाजनी और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पे। बर्थडे पे नहीं, लेकिन मुझे एक बड़ी प्यारी चीज़ लगी। कुछ फैंस मुझे बाहर के देश से ऑल द वे यहाँ पे आए थे मुझे मिलने के लिए। इट्स गोइंग टू बी अ वास्ट एरिया ऑफ वर्क दैट आई विल बी कवरिंग दिस ईयर, बी इट मराठी सिनेमा, बी इट हिंदी सिनेमा, बी इट OTT। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में से आप अगर आप एज एन एक्टर कुछ ना सीखो तो एक इंसान के बतौर काफ़ी कुछ सीख जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस शो ने मुझे एक इंसान के बतौर बहुत कुछ सिखाया है। इस बार मैं एक अलग जोन में शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं मराठी में कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। शायद इस साल हम लोग हमारा प्रोडक्शन हाउस शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद OTT के लिए हम लोग अभी, नाउ वी आर लाइक जस्ट गेटिंग देयर। और हिंदी फिल्म एक मेरी आएगी इस साल। तो यू नो, बहुत डाइवर्सिफाइड, हर एक बर्थडे जो है ना वो कोई नई चीज़ लेके आता है हर साल मेरे लिए। सो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, मुझे नहीं लगता मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बॉलीवुड हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। एंड अगर मैं आपको देखूँ तो सबसे पहला सवाल मुझे आपको देखकर ये आता है कि आप इतने बिजी शेड्यूल में अपने फिटनेस को इतने बेहतरीन तरीके से कैसे मेंटेन कर रही है, बताइए। बहुत मुश्किल होती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फिट रहना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वर्कआउट करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अच्छा खाना, पर वो करना पड़ता है। तो आई थिंक वो इतना मुश्किल है नहीं, हम एक्टर्स जितना वो मुश्किल दिखाते हैं, हमें पास बहुत वक्त होता है। अगर आप एक कैमरामैन को ले लो, डायरेक्टर को ले लो, किसी भी सेट के आदमी को ले लो, उनसे ज़्यादा हमें चीज़ें मिलती हैं, हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, हमें बहुत वक्त मिलता है रेस्ट करने के लिए। हम सिर्फ बोलते रहते हैं कि हम बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, 12 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे में से आप शॉर्ट सिर्फ 6 घंटे देते हो, बाकी टाइम आपको मिलता है। तो अगर आप सुबह जल्दी उठो और 45 मिनट के लिए वर्कआउट करो तो सबके लिए वो पॉसिबल है। आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी टफ थिंग टू डू। आई थिंक मैं अभी अभी सीरियल के 15 एपिसोड्स का हमारा एक्सटेंशन है, उसके बाद फर्स्ट सीजन हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अभी आपसे कहूँगा कि ट्विस्ट इस साल अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वास्ट एरिया ऑफ वर्क दैट आई विल बी कवरिंग दिस ईयर, बी इट मराठी सिनेमा, बी इट हिंदी सिनेमा, बी इट OTT। सो उसकी तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं और फोकस वहाँ पे है। यहाँ पे जो एक जर्नी रही है 4 मंथ्स की, वो बहुत ही एनलाइटनिंग जर्नी रही है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, और उसमें जितना देना था, जितना योगदान डालना था, वो डाल चुका हूँ अभी। अब नाउ इट्स आई थिंक टाइम टू मूव ऑन एंड यू नो गेट एक्साइटेड अबाउट न्यू वर्क दैट्स कमिंग अवे। मैंने परसिस्टेंस सीखा है, मैंने सीखा है कि एक कंसिस्टेंसी आपको काम में रखनी पड़ेगी। ऑल्सो दिस शो इन द बिगिनिंग वॉज वेरी टफ टू डू बिकॉज वी हैड गॉन टू देहरादून, हम वहाँ पे शूट करे थे और यहाँ पे आके हमने देहरादून का पूरा सेट अंदर रिक्रिएट किया। तो वहाँ के सीन्स और यहाँ के सीन्स मैच करना, इमोशनली उसको कंसिस्टेंट रखना, वो एक चीज़ है। पर उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में से आप अगर आप एज एन एक्टर कुछ ना सीखो तो एक इंसान के बतौर काफ़ी कुछ सीख जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस शो ने मुझे एक इंसान के बतौर बहुत कुछ सिखाया है, एक एक वर्किंग प्रोफेशनल के बतौर बहुत कुछ सिखाया है, मोर देन एज एन एक्टर। कुछ नहीं, घर पे बैठने वाला हूँ, अपने परिवार के साथ गप्पे लगाने वाला हूँ, दैट्स ऑल। नहीं, आई थिंक एवरी बर्थडे कम्स विद अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। लाइक लास्ट ईयर मैनी थिंग्स आई स्टेप्ड इनटू अ न्यू एरिया, लाइक रियलिटी टीवी झलक किया मैंने, तो वो मैंने कभी पहले नहीं किया था, वो बर्थडे के साथ ही मेरे शुरू हुआ। इस बार मैं एक अलग जोन में शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं मराठी में कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। शायद इस साल हम लोग हमारा प्रोडक्शन हाउस शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद OTT के लिए हम लोग अभी, नाउ वी आर लाइक जस्ट गेटिंग देयर, सीइंग क्या वर्कआउट हो सकता है। और हिंदी फिल्म एक मेरी आएगी इस साल। तो यू नो, बहुत डाइवर्सिफाइड, हर एक बर्थडे जो है ना वो कोई नई चीज़ लेके आता है हर साल मेरे लिए। सो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, मुझे नहीं लगता मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। क्या बात सर, कितने भी बड़े हो जाए लेकिन हम हमेशा हमारे बचपन को याद करते हैं। बचपन में ऐसा कोई था आपका स्पेशल बर्थडे जो आपको आज भी याद हो? नहीं, ऐसा कोई बर्थडे नहीं था, लेकिन मैं अपने बेटे में अभी अपना बचपन देखता हूँ, तो आई थिंक मेकिंग हिज बर्थडे स्पेशल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी नाउ दैन माई ओन बर्थडेज। मेरे लिए बस मेरा परिवार मेरे साथ में हो, मेरा बेटा हो, मेरी बीवी हो, मेरी बहनें हो, मेरी माँ हो, वो अगर मेरे साथ है तो मेरा बर्थडे स्पेशल बन जाता है अपने आप। स्पेशल गिफ्ट बर्थडे पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला यार, बस फैंस की तरफ से ढेर सारे गिफ्ट्स आते हैं हर साल, अभी पिछले 3-4 सालों में, तो वो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो 8 तारीख को मैं जब ही शूट करके अभी घर पे जाऊंगा, तो शाम को गौरी ने सारे वो गिफ्ट्स बिछा के रखे होंगे,
बाहर टेबल पे, तो आई एम वेरी लाइक अ किड, आई एम एक्साइटेड टू ओपन ईच एंड एवरी गिफ्ट आउट देयर. बर्थडे पे नहीं, लेकिन मुझे एक बड़ी प्यारी चीज़ लगी, कुछ फैंस मुझे बाहर, मतलब बाहर के देश से ऑल द वे यहाँ पे आए थे मुझे मिलने के लिए, और वो मुझे बड़ी प्यारी चीज़ लगी उनकी. दे टुक आउट टाइम एंड दे वांटेड टू कैच अप विद मी एंड स्पीक टू मी एंड दे हैव अ पर्सनल कनेक्शन विद मी अप टू सर्टेन एक्सटेंट. तो मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके का जो जेन्युइन परिवार है वो और भी बढ़ता जाए आगे, और वो मेरी काम की वजह से, तो आई एम ऑल द मोर ग्लैड अबाउट इट. कि मेरा काम देखते रहो, बस दैट्स अबाउट इट. यू आर मोस्ट वेलकम.